उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात सबसे पहले टिहरी की होगी, जहां टिहरी झील का जलस्तर बढ़ते ही गंगोत्री NH-94 पर चिन्याली सौड़ में बड़ा भूधसा हुआ है, जिससे सड़क का 6 मीटर हिस्सा झील में समा गया। वहीं इसके बाद भी लगातार गाड़ियों की आवाजाही जारी है, जो बड़े हादसे को न्योता दे रही है। झील के जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। चिन्याली सौड़ नगर क्षेत्र टिहरी झील किनारे बसा हुआ है और अब भूधसाव होने से लोग डरे हुए हैं। टिहरी बांध की झील का जलस्तर जैसे ही 820 पे पहुंचा है और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इतना जबरदस्त भूधसाव हो गया कि पूरी सड़क नेशनल हाईवे लगभग जो है 6 मीटर नीचे जो है 60 मीटर लंबा और 6 मीटर जो है धस चुका है। पौड़ी में जहां एक तरफ राजस्व प्रशासन और NH विभाग की टीम सड़कों से अतिक्रमण को हटा रही है, तो दूसरी ओर अतिक्रमण के बाद बचे मलबे को हटाने की सहमत नहीं उठा रही है। हालात ये हैं कि अतिक्रमण का मलबा अब सड़क पर फैल गया है, जिससे सक्रिय सड़कों पर लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि DM ने मामले का संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग को सड़कों से मलबा साफ करने के निर्देश दिए हैं। कंसर्निंग SDM और तहसीलदार और हमारे EU नगर पालिका को निर्देशित किया जा रहा है कि वो अकॉर्डिंगली तुरंत जो मलबा है उसे हटाएं और जो एक्सेस है या ट्रैफिक के लिए जो भी फैसिलिटीज क्रिएट की जानी है वो प्रॉपरली क्रिएट करें। हरिद्वार में BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने BJP कोर कमेटी की मीटिंग ली, जिसमें CM धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। मीटिंग में बागेश्वर उपचुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। मीटिंग में सांसद राज्यलक्ष्मी शाह, सांसद तीरथ सिंह रावत, अनिल बलूनी और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट नहीं शामिल हुए। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कोर कमेटी की मीटिंग अक्सर होती रहती है, जबकि सांसद अजय टमटा ने बताया कि मीटिंग में पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। हाँ, एक बागेश्वर का चुनाव तो है ही, अभी उस पर काम कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं बहुत अच्छे से। लोकसभा को लेकर कोई चर्चा? उसका लोकसभा के चुनाव का क्या है कि जो अभी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, चाहे महासंपर्क अभियान है, मतदाताओं की जागरूकता का अभियान है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की चर्चा तो हमारी पार्टी के स्तर में काम होते ही होते हैं, वो मंडल पे भी, प्रदेश में भी होते हैं, मंडलों में भी होते हैं, जिले में भी होते हैं। कोर कमेटी की बैठक करते रहते हैं, कोई महीना ऐसा नहीं होता है कि कोर कमेटी की बैठक ना हो, वो आप तक नहीं पहुंचती होगी। हम हमेशा अपना मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के असली ध्वजवाहक हैं। BJP कोर कमेटी की मीटिंग में बागेश्वर उपचुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव का मुद्दा ही टॉप पर रहा। बागेश्वर उपचुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव का जीतना ही पार्टी का मुख्य एजेंडा है। मीटिंग में पार्टी की आगामी रणनीति से लेकर तय कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। वहीं BJP के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात से इनकार किया कि मीटिंग में लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कोई चर्चा की गई। BJP कोर कमेटी की आज मीटिंग हरिद्वार में हुई है और JP नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करें। सर, कोर कमेटी की मीटिंग में क्या कुछ डिस्कशन हुआ? देखिए, मुख्य रूप से आगामी दिनों के जो हमारे लोकसभा और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव है, उस विषय की चर्चा हुई और बागेश्वर उपचुनाव पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। वहां का अभी तक का जो फीडबैक था वो सभी हम सब लोगों ने दिया है और हमने विश्वास दिलाया कि पिछली बार ज्यादा मतों से हम बागेश्वर चुनाव जीतेंगे। इसके साथ आगामी दिनों के इश्यूज क्या होंगे, कौन कौन से विषय, जिन विषयों को जनता भी हम ले जा सकते हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, इसके साथ साथ अपोजिशन द्वारा किन विषयों को फोकस किया जा रहा है, उन सब विषयों पर चर्चा की है। नहीं, टिकट का विषय इस बैठक का विषय नहीं था और क्योंकि लोकसभा का जो टिकट होता है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और आज आप लोगों की तरफ से कुछ नाम का डिस्क नहीं कोई नाम का, हमारे पांचों लोग हमारे सांसद हैं और हमारे पांचों लोकसभा के सांसद क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पांचों लोकसभाओं के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा इस बैठक का विषय नहीं था। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। महेंद्र भट्ट को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज की कोर कमेटी की मीटिंग में जो बातें उठी हैं उसको लेकर उन्होंने डिटेल पे बातचीत की है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ हरिद्वार से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी।
वहीं मीटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में हर की पैड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ गंगा पूजन किया और फिर गंगा आरती की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल समेत कई बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा गंगा पूजन में शामिल हुए, तस्वीर आपको दिखा रही है। इस दौरान कई मंत्री भी मौजूद थे। जेपी नड्डा ने गंगा आरती भी की और ये तस्वीर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जेपी नड्डा का ऋषिकुल ऑडिटोरियम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ऑडिटोरियम में नड्डा ने पौधारोपण किया। फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में जेपी नड्डा शामिल हुए, इसमें वासुदेव कुटुंबकम की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे अध्यात्मवाद की, हमारे विकास की, हमारे विचार की, हमारी सोच की हवाएं चांद तक भी पहुंची और सच में इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश आज गौरवान्वित महसूस करता है और देश गर्व महसूस करता है इस संस्थान से जुड़े हुए, क्योंकि कई बार पहले भी मुझे यहां इन कार्यक्रमों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस संस्थान से जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी को भी साधुवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी ये संस्थान युवाओं का पूर्व की भांति और ज्यादा विस्तार करते हुए उनका उचित मार्गदर्शन करता रहेगा। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो महेंद्र भट्ट, जेपी नड्डा, पुष्कर सिंह धामी और दुष्यंत गौतम को आप देख रहे हैं, जिन्होंने मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें शामिल थे। उन्होंने सुना पीएम के मन की बात को। वहीं इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर धामी के किए जा रहे कामों की तारीफ की। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा लाने वाले यूसीसी बिल, अवैध मजारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सीएम धामी की जमकर तारीफ की। वहीं जोशीमठ में भूदसाव के दौरान सीएम धामी द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने और पुनर्निर्माण कार्यों की भी सराहना की गई। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी और दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है, क्योंकि चमासा चुनावी घमासान अपने पूरे चरम पर है। बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, लिहाजा लगातार स्टार प्रचारक क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं में सरकार की उपलब्धियां जनता को गिनाई जा रही हैं। साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला जा रहा है और कांग्रेस पलटवार कर रही है। इतना छोटा सोच हमारा नहीं है जितना सोच कांग्रेस का है, इसीलिए आज राहुल गांधी जी पर कोई विश्वास नहीं करता है। तरह तरह की उपमाओं से उनको नवाजा जाता है। मैं अपने मुख से वो उपमाएं नहीं बोलना चाहता हूँ। जो ये कहता हो कि पहाड़ का पंडित बिना दारू पिए हुए पूजा नहीं कर सकता, उस आदमी के मुंह से कुछ भी निकल सकता। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस नेता बागेश्वर उपचुनाव जीतकर पार्टी की एनर्जी बूस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस हर रोज नई प्लानिंग के साथ चुनाव प्रचार में उतर रही है और जीत का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी का तर्क कुछ और है। और जिन जगहों पे हम लोग अभी घूमे हैं, जितने लोगों से मिले हैं, तो ये एक तरफा कांग्रेस की सीट है, लोग कांग्रेस को। बागेश्वर उपचुनाव एक पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है। इनके नेता आते हैं, दो दिन के लिए भाषण देके चले जाते हैं, वो उस चुनाव को खुद मान चुके हैं कि बहुत बुरी तरह से हारने वाले। आरोप प्रत्यारोपों के बीच बागेश्वर उपचुनाव
बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। इसीलिए बागेश्वर के इस चुनावी रण में हर कोई रणविजय बनना चाहता है। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। कोटद्वार में सरकारी भूमि पर बनी सिद्धबली मंदिर समिति की 33 दुकानों पर भी बुलडोजर चलने जा रहा है। सिद्धबली मंदिर के बाहर पीडब्ल्यूडी की 2.5 बीघा से ज्यादा जमीन है, जिस पर मंदिर समिति की ओर से सालों पहले दुकान बना दी गई थी। साथ ही कुछ हिस्सा पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। मंदिर के बाहर प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकान लगाने वाले व्यापारी परेशान हैं और सरकार से राहत की उम्मीद लगा रहे हैं। कुछ नहीं, ये तो मैं तो रोड पे आ गया, कुछ नहीं, दुकान टूट गई तो यही रोजी रोटी थी, इसकी किराए सिमती में जाती थी ना जी। आपकी जानकारी में था ये कि अवैध रूप से बनाई गई है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं थी। वो मंदिर वाले ने इसको ओपन भी नहीं किया कि हमारी जमीन है नहीं है, तो उस वजह से ये है कि अगर ये टूट गई हमें बहुत लॉस उठाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि सामान भी हमारा बहुत है, यहाँ से घर जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ेगी। वो जो मंदिर के पास जो दुकानें हैं, इसको जांच किया गया तो पूरा पीडब्ल्यूडी की रोड है, उसमें जो है कार्रवाई चल रही है उसको भी हटाने के लिए, क्योंकि भविष्य में जो है हमारी रोड चौड़ी रहेगी तो कोई एक्सीडेंट होने की संभावना भी कम रहेगी। उत्तरकाशी में नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। बड़े थी के पास नदी किनारे युवक नहाने गया था, तभी नदी के तेज बहाव में वो बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बचाया। दरअसल बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में वहां पर नहाने के लिए मना किया गया है, बावजूद इसके लोग वहां पहुंच रहे हैं, जिसके चलते एक युवक बह गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। इस साल बरसात ने हिमाचल और उत्तराखंड में कहर ढाया है। लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौत हो गई, घर तबाह हुए हैं। अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि लैंडस्लाइड का पहले से ही अलर्ट मिल जाए। फरवरी 2021 में चमोली के ऋषिगंगा में जो एवलॉन्च आया था उसने निचले इलाकों में जमकर तबाही मचाई और 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस आपदा के 2.5 साल बाद वाडिया इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस आपदा के आने से काफी पहले ही इस पूरे इलाके में भूगर्भीय हलचल शुरू हो गई थी। ट्रिगर साइट से करीब 12 किलोमीटर दूर तपोवन में लगाए गए वाडिया के ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर में घटना के 3 घंटे पहले इसके संकेत रिकॉर्ड हो गए थे। यदि इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई होती तो ऋषि गंगा में हुई उस तबाही से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। वो एवलेंच हुआ उसका 3-4 घंटा पहले लॉट ऑफ ट्रेमर्स जो इंडिकेशन दे रहा है कुछ होने वाला है, इसको हम लोग प्रिकर्सर बोलते हैं। तो वो 3-4 घंटा वो प्रिकर्सर इवेंट्स हम लोग आइडेंटिफाई किए, लेकिन इसका पहले हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, इसका मतलब वो सिग्नल दे रहा है। पूरे हिमालयन रीजन में इसी तरह के हाई कैपेसिटी के ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर लगाकर लैंडस्लाइड से लेकर भूकंप, एवलॉन्च या अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट नैनीताल, मसूरी, धौलीगंगा, भागीरथी कैचमेंट एरिया के लिए ऐसी मैपिंग भी कर चुका है और यदि इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो गई तो हिमालयी राज्यों में आने वाली कई प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचाया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है। पिछले एक महीने में अब तक 391 मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान कुछ अस्पतालों में मरीजों को डेंगू टेस्ट के नाम पर खूब लूटा जा रहा है। मरीजों के शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और डेंगू टेस्ट के लिए मनमाने रेट पर लगाम लगाने के लिए रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। डेंगू टेस्ट के लिए 500 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक रेट तय किया गया है। डेंगू रैपिड टेस्ट के लिए 500 से 800 रुपए तक टेस्ट का रेट तय किया गया है। वहीं एलिसा टेस्ट के लिए 1000 से 1100 रुपए तक तय किया गया है रेट।
बहुत कंफ्यूजन सा पैदा हो रखा है। कोई कह रहा 50,000 लेट तक आदमी जो है मर जाता है, कोई कह रहा 8,000, कोई फिक्स नहीं है। अब मापदंड फिक्स हो गया है रेट वाइज भी, तो ये सरकार बधाई की पात्र है इस मामले में। हमारे यहाँ जितने भी मरीज हैं वो जो है हमारे देहरादून में, उधम सिंह नगर में, नैनीताल, 4-5 जिलों में हैं। इसमें भी 88% मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल की ऐसी शिकायत होगी तो आप भी मुझे बता देना, मैं भी उसकी जरूर इंक्वायरी करूंगा। प्रदेश में डेंगू की दस्तक से अब अस्पतालों में प्लेटलेट्स की भारी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इस कमी में भी अस्पताल प्रशासन ने नए अवसर तलाश लिए हैं। क्या ये पूरी खबर आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 ने डेंगू टेस्टिंग में जमकर हो रही वसूली की खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी। इसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन हुआ और टेस्टिंग से लेकर प्लेटलेट्स के लिए एक मानक तैयार किए गए, लेकिन एक बार फिर जब न्यूज 18 की टीम ने देहरादून के कई अस्पतालों का जायजा लिया तो पाया कि डेंगू के मरीजों के लिए प्लेटलेट्स को लेकर जमकर कालाबाजारी हो रही है। क्या चार्जेस क्या है? 12,500 रूपए। 12,500 रूपए अगर मतलब आपको डोनर चाहिए होगा, डोनर चाहिए होगा, ए पॉजिटिव भी डोनर चाहिए होगा, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो सुना आपने कि एक अस्पताल का कर्मचारी प्लेटलेट्स के लिए एक यूनिट के 12,000 रूपए की मांग कर रहा है, और वो भी तब जब डोनर खुद मरीज को लेकर आना है। यह हाल सिर्फ एक अस्पताल का ही नहीं है, जबकि न्यूज 18 की टीम दूसरे अस्पताल पहुंची तो वहां भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। जम्मू पे करवा लो। हाँ, वो कितने का आएगा? वो आपका आएगा 10,000 का। 10,000, उसमें क्या होता है आपका अपना एक डोनर लेके जाने आपको, ए पॉजिटिव का। अच्छा। हाँ, उसी से आपको ये 6 यूनिट प्लेटलेट्स निकाल के दे देंगे एक बंदे से। एक ही बंदे से? हाँ। अगर आयुष्मान के अंदर एडमिट नहीं है तो 12,000 है। हाँ। अगर आयुष्मान में यहाँ एडमिट है तब 11,000। और डोनर लाना पड़ेगा? डोनर लाना पड़ेगा आपको। यही हाल राजधानी के लगभग सभी अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं, जहां सिर्फ एक यूनिट का ही रेट बहुत ज्यादा है। नॉर्मल दिनों में प्लेटलेट्स 5,000 से 8,000 रूपए तक की यूनिट मिलती है, जबकि इस समय रेट एकदम से दोगुने कर दिए गए हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और चलिए एक नजर डालेंगे पहाड़ों की टॉप 10 खबरों पर। बागेश्वर उपचुनाव के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्वती दास के लिए वोट मांग रहे हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट पर जीत के लिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बागेश्वर में प्रचार किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना और इस कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। अल्मोड़ा में वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों ने एक बैठक की, जिसमें जिले भर के डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड समेत सभी स्टाफ वहां पर मौजूद रहा। रुद्रप्रयाग में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर डीएम और एसपी ने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। जिले के प्रतापनगर विधानसभा के 2 युवक अफ्रीका में फंस गए हैं, परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। रुद्रप्रयाग में रेल परियोजना प्रभावित नरकोटा गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि टरलों के निर्माण से भवनों पर दरारें पड़ी हैं। अल्मोड़ा में आर्यन ग्रुप द्वारा नई छात्राओं का स्वागत और पास आउट छात्राओं की फेयरवेल कार्यक्रम किया गया। परिसर में अनुमति नहीं मिलने के बाद एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा के साथ पिथौरागढ़ और बागेश्वर को भी परिसर बनाए थे, लेकिन 3 साल बीतने के बाद परिसर अस्तित्व में नहीं आए। अल्मोड़ा में नंदा देवी का मेला 20 सितंबर से शुरू होगा और 27 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा के साथ ही समापन होगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।